بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم برادران ملت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में मेरे वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत ज़ेरे इलाज हैं और उनके इलाज के हवाले से मैं कोशिश ये कर रहा था कि फौरन जो है वो कोई ना कोई जैसी भी रिपोर्ट मिलती जाए जैसी जैसी भी इत्तला आती जाए आपको इत्तला करता रहूं. आज एक लेटेस्ट अपडेट ये है और जो थोड़ी सी अफसोसनाक भी है मगर आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी बेहतर होगी. आज फाइनली हजरत की एक क्या नाम है जो एक सिटी हुआ था हार्ट का उसमें ये निकल के आया है कि 90-95% ये जो मेन आर्टरीज होती है जो हार्ट की सबसे पहली नली है वो ब्लॉक्ड है. उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है इस केस में वो ये है कि वॉल जो है हजरत का जो ऐसे खुलता और बंद होता है उसमें थोड़ा सा लीकेज है तो उसको रिपेयर भी करना है. तो कल मुमकिन है कि कल वैसे डॉक्टर अभी मुझे शाम तक बता देंगे नहीं तो फिर परसों हजरत की बाईपास सर्जरी है और उसमें ये वॉल की रिपेयरिंग भी है. कॉम्प्लिकेशन है मगर बस आप सबकी दुआओं का सहारा है. जिस तरह आप अभी तक दुआ करते रहे अब से लेके जब तक ऑपरेशन होता है आप सब बस दुआ ही करते रहें. यकीनन अल्लाह शाफी हकीकी है और शफा उसके दस्ते कुदरत में है. अल्लाह किस बंदे की दुआ कबूल कर ले ये उसकी शान है. बस आप लोग दुआ करते रहें और किसी किस्म की उलझन या घबराहट से दूर बस अल्लाह पर कामिल एतमाद करते हुए दुआ करते रहें. मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं रंग लाएंगी और हजरत का ये बाईपास सर्जरी ऑपरेशन ये इंशाल्लाह कामयाब होगा. और भी कोई अपडेट होती है तो मैं इंशाल्लाह आज रात या कल तक फिर बताऊंगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.